हर बार छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में हमने ये देखा है कि राज्य के अंदर जिसकी सत्ता होती है उसी के कब्जे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर होते हैं, लेकिन अजमेर के अंदर इस बार जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल उलट आए हैं। इस बार अजमेर के अंदर ABVP ने कब्जा अधिकांश कॉलेज के अंदर किया है और इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, खासतौर पर जो कश्मीर में इस दौरान जो हलचल हुई है अनुच्छेद 370 को लेकर वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय नेता इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, भाजपा के नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो कश्मीर में इस वक्त हालात हैं, कश्मीर का जो मुद्दा है, क्या उसको लेकर भी इस समय कोई हलचल देखी जा रही है? इस समय मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हल्की सी झड़प की घटना जो नज़र आ रही है उसके चलते हल्का सा पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। मैं वापस मुद्दे की ओर आता हूँ, मेरे साथ नीरज है, मैं इनसे जान लेता हूँ इस बार ABVP को जो सफलता हासिल हुई है अजमेर के अंदर, उसको आप क्या धारा 300 अनुच्छेद 370 उससे जोड़कर देख रहे हैं या इसकी कोई और कारण भी आपको लग रहा है? केवल मात्र अजमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार भगवा पताका लहराई है, विद्यार्थी परिषद का परचम लहराया है, वो निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है। आज देश का युवा राष्ट्रवाद के साथ है, धारा 370 के साथ है, किसको हटाने के साथ है, बांग्लादेशी घुसपैठ को खत्म करने के लिए उसके साथ है। उस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विद्यार्थी परिषद ने चुनाव लड़ा, वर्ष भर विद्यार्थी परिषद सक्रिय रहती है, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो उसको लेकर आंदोलन करना हो, 370 हटाने का मुद्दा हो उसको लेकर आंदोलन करना हो, कॉलेज की समस्या हो उसको लेकर आंदोलन करना हो, छात्रों के परीक्षाओं को लेकर कोई विषय हो उसको लेकर आंदोलन करती है। निश्चित रूप से आज का युवा यही चाहता है कि उनका नेतृत्व इस प्रकार का हो जो देश की बात करे, समाज की बात करे, राष्ट्र की बात करे, राष्ट्र प्रथम हो। और उसी का सुपरिणाम है केवल मात्र अजमेर नहीं, पूरे राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार को सबक सिखाया है युवाओं ने कि 6 महीने में जो हालत इन्होंने राजस्थान की कर दी है उसका उनको फल मिला है। और 370 का समर्थन करना, अलगाववाद का समर्थन करना, आतंकवादियों के साथ खड़े होना, ये सब कारणों से भी कांग्रेस को जनता युवाओं ने सबक सिखाया है। यानी कि युवा अब राष्ट्रवाद को अपनी पहली प्राथमिकता मानने लग गया है। जिस तरह देश का माहौल चल रहा है, देश के माहौल के अंदर जो कांग्रेस सरकार है वो केवल पूरा विश्व भारत के साथ है और केवल कांग्रेस ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। इसलिए जो उसका अग्रिम संगठन NCUI है, उसको NCUI को देश के युवाओं ने नकारा है, राष्ट्रवाद का साथ दिया है, राष्ट्रहित की पार्टी का समर्थन किया है और विद्यार्थी परिषद को जिताकर उन्होंने राष्ट्रवाद का नारा बुलंद किया है। मेहुल है हमारे साथ, आपकी तो बहुत झड़पें यहाँ पे हुई है, आप लोगों ने आरोप लगाया है कि NCUI और सरकार का दबाव आ रहा है, जो प्रशासन है कॉलेज का, ऐसा कुछ हुआ लेकिन परिणाम इसके उलट हुए इस पर? मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे जो मीडिया भाई है उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा है चुनाव में, जिस प्रकार से हमारी बातें हमारी आवाज़ कैंपस में दबाई जा रही थी, लेकिन इस मीडिया के माध्यम से एक एक घर में और एक एक कैंपस में हमारी आवाज़ गई है, तो सबसे पहले शुक्रिया मीडिया का। और इस बार विद्यार्थी परिषद ने सभी कैंपस में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, उसका आपको परिणाम देखने के लिए मिला है। और जिस प्रकार से NCUI कह रही थी कि सुबह सब होगा विद्यार्थी परिषद का, मैं इस माइक के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने आज पूरे अजमेर में सुबह साफ करा है NCUI का। और जो नतीजे अभी नज़र आए हैं छात्र संघ के चुनाव के अंदर, क्या निगम चुनाव के अंदर भी माना जाए कि सरकार को कश्मीर के मुद्दे का देखना पड़ेगा, क्योंकि छात्र के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं गोड़ हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं, राष्ट्रवाद सर्वोपरि हो गया है? देखिए, मैं इस बात पर बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा केवल अजमेर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में हावी है और युवाओं ने भी माना है कि अब सबसे पहले राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है और इसी चीज़ को ध्यान रखकर इस बार विद्यार्थी परिषद को भारी बहुमत से जिताया है। मोहित है हमारे साथ, जिन्होंने MDS में लंबे समय तक बहुत मेहनत की। मोहित, आप बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत मेहनत आप लोगों ने करी, आपको लगा उसका परिणाम आपके दूसरे जो कॉलेज थे आपको वहाँ पर भी मिलने लग गया? यूनिवर्सिटी में आप मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम जो है कि ABVP तमाम बाकी की सीटों के ऊपर भी आ गई। देखिए, जो टिकट वितरण था विद्यार्थी परिषद का इस बार बहुत अच्छा था और जो पूर्व कार्यकर्ता थे कहीं ना कहीं 2-3 सालों से नाराजगी चल रही थी, हर कैंपस के अंदर पूर्व कार्यकर्ता उस कैंपस के थे, उनको संतुष्ट किया गया, उनसे बातचीत करके टिकट दिया गया।
नहीं तो पहले ऐसे इंसिडेंट हो रखे हैं टिकटों को लेकर पूर्व कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहती थी, जैसे पिछले साल GCA में देखने को मिली। इस बार विद्यार्थी परिषद ने हर कैंपस के अंदर पूर्व कार्यकर्ता का एनरोलमेंट रखा, उसका ही परिणाम का नतीजा है कि आज पूर्व कार्यकर्ताओं की मेहनत, वर्तमान टीम की मेहनत, राष्ट्रवाद की मेहनत और राष्ट्रवाद की गूंद को लेकर आज युवा कूदा है अजमेर के अंदर। और यह मैसेज है पूरे अजमेर से अनुशय का, आज खाता नहीं खुला, ये दुर्भाग्य है। और नगर निगम परिणामों में भी अब रिजल्ट देखने को मिलेगा कि अजमेर के सारे वार्डों से कांग्रेस हारेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमाम कॉलेजों में आ चुकी है, आपको ये लग रहा है कि अब बच्चों के लिए राष्ट्रवादी सब कुछ हो गया है, जो कॉलेज के जो मुद्दे थे वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या? बच्चे ही नहीं, राष्ट्रवाद की जो भावना है वैसे वो केवल और केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, संपूर्ण देशवासियों के लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। विद्यार्थियों का जहाँ तक है तो NSUI जिस प्रकार से धारा 370 का उन्होंने विरोध किया, 35A का उन्होंने विरोध किया, विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो मोदी जी की और केंद्र सरकार की प्रत्येक नीतियों के साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिलाकर के जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी उसके साथ खड़ा रहा। और उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने जो अजमेर शहर में सभी पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान कार्यकर्ता सबको साथ लेकर के जिस प्रकार टिकट वितरण में समझदारी दिखाई, तो उसी का परिणाम है कि आज DAV कॉलेज से और यूनिवर्सिटी तक केसरिया परचम ले रहा है। मेहुल एक बात बताइए, आपने शिक्षा मंत्री को चुनाव से पहले घेरा कि उन्होंने NSUI को वोट करने की अपील की, लेकिन आपके भी कई ऐसे नेता हैं जो आपके कार्यालयों में आते हैं, आपके छात्र नेताओं से मिलते हैं, छात्रों से अपील करते हैं वोट की, क्या नेताओं का छात्र राजनीति में दखल देना गलत है? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो जिन्होंने NSUI की वोट के लिए अपील करी थी वे कभी भी NSUI के पूर्व कार्यकर्ता नहीं रहते, और हमारे जो आज जो हमारे सीनियर्स हैं, जो लीडर हमारे BJP में काम कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं हमारी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं और विद्यार्थी परिषद में 20-30 साल काम कर रहे हैं, तो हमारे पूर्व कार्यकर्ता के नाते वो लोग हमारा सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और उनकी रणनीति से हम लोग चुनाव जीतते हैं। और जो नतीजे इस बार अजमेर से सामने आए हैं वो नतीजे इतने महत्वपूर्ण हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारी सफलता मिली है और NSUI को एक पटखनी ABVP के नेताओं ने दी है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।